हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वैभव और आप देख रहे हैं ब्लॉगित वैभव। आज हम जा रहे हैं अपने कॉलेज जैसे रोज जाते हैं, और आज हम आप लोग के साथ जा रहे हैं। कोरबा बहुत ही अच्छा जगह है। अभी हम यहां दीपका से निकल रहे हैं और अभी ये हम अपना नगर पालिका गेट जो मेरे घर के पास है यहां से हम अभी पार कर रहे हैं, किशन का फेवरेट, और हम अभी निकल रहे हैं कोरबा की ओर। और रास्ते में जो जो भी मिलेगा उसको देखेंगे। और तो दोस्तों, मेरा कॉलेज कोरबा यहाँ से 25 किलोमीटर दूर पड़ता है। हम अभी अपने कॉलेज की ओर जा रहे हैं, और कॉलेज जाना मेरे किसी जर्नी से कम नहीं है। 25 किलोमीटर ख़त्म करना, एक घंटा दो घंटा सफ़र करना कोई छोटी बात नहीं होती एक कॉलेज जाने के लिए। तो हम अभी कॉलेज जा रहे हैं, और ये जो देख रहे हैं आप, ये दीपका का पाली रोड है, ये सीधे मेरे घर जाता है, और अभी मैं घर से ही निकल रहा हूँ। और अभी हम अभी जाएंगे दीपका चौक, फिर दीपका चौक से हम आगे की ओर जाएंगे। मौसम काफ़ी अच्छा किया हुआ है। आज रात में पानी गिरा था तो मेरे ख्याल से डस्ट बहुत कम होगा। हम कोरबा जा रहे हैं और डस्ट ना खाएं ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा तो बहुत बार होता है कि हम कोरबा पहुंच जाते हैं और लोग हमें पहचानते नहीं है कि हम इतना डस्ट खा चुके होते हैं और पूरे काले दिखे होते हैं। बहुत डस्ट है दोस्तों कोरबा जाने में, लेकिन शायद आज नहीं हो क्योंकि रात में पानी गिरा है और सुबह हम निकले हैं। तो हम अभी चलते हैं, और ये आ गया हमारा दीपका चौक, और यहाँ पर ये हमारा मार्केट पड़ता है। यहाँ से हम शॉपिंग वॉपिंग सब यहीं से करते हैं। वैसे तो सारा शॉपिंग कोरबा और बिलासपुर से होता है, लेकिन यहाँ दीपका के मार्केट है। और यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों रास्ता बहुत ही ख़राब है, यहाँ ट्रक बहुत चलता है, इस लाइन में बहुत ट्रक चलता है अभी। और ये रहा हमारा रेलवे फाटक, यहाँ से सिर्फ मालगाड़ी जाता है बस, और कोई ट्रेन नहीं जाता यहाँ से। तो अब हम पहुंच गए हैं ऊर्जा नगर योरा। यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं, ये आप देख सकते हैं, ये राधे कृष्ण मंदिर है, ये काली मंदिर है। इसी दिन यहाँ भी हम वीडियो बनाने आएंगे, दिखाएंगे आपको। और यहाँ का ये बड़ा शिव मंदिर, यहाँ भी किसी दिन आएंगे। वातावरण बहुत ही अच्छा है, जैसा आप देख सकते हैं कितना हरा भरा, हर चीज़ बढ़िया दिख रहा है यहाँ पर। ये यहाँ का गेस्ट हाउस, योरा का गेस्ट हाउस। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं शक्ति नगर। शक्ति नगर में पहले हमारा स्कूल हुआ करता था, और मैं 12th यहीं के स्कूल से पास आउट हुआ हूं। और हम यहां आते हैं कभी कभी, यहां घूमने आते हैं, अपने पुराने स्कूल को देखने आते हैं, बहुत ही मज़ा आता है। ये भी एक बहुत अच्छा जगह है, यहां हमारा स्कूल हुआ करता था। Thank you.
तो हम अपनी जर्नी के उस पड़ाव पे पहुंच गए हैं जहां से अच्छी रास्ता ख़त्म होती है और एक नई तरह की रास्ता की शुरुआत होती है। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं कुचेना। यहां से दो रास्ता, एक बांकी और एक कोरबा की ओर जाती है। तो हम कोरबा जा रहे हैं, इसीलिए इस रास्ते को इग्नोर करके इस रास्ते में जाएंगे और हम यहां से हमारी एक नई चैलेंज, नई चीज़ शुरू होती है। हमें भी बहुत मज़ा आता है, आई होप आपको भी बहुत मज़ा आएगा। तो चलो देखते हैं और इन्जॉय कीजिए। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं कुसमुंडा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ ट्रक की लाइन लगी हुई है और यहाँ पर 2400 घंटा इसी तरह से ट्रक आना जाना करते रहता है और ऐसी लाइन यहाँ लगी रहती है और काफ़ी एक्सीडेंट भी होते हैं यहाँ, बहुत रिस्क भी है यहाँ पर। हमें आज गाड़ी मिल गई है तो हम आज गाड़ी में आए हैं, नहीं तो हम भी बस में आना जाना करते हैं। और कॉलेज से आज जाना ज़रूरी था क्योंकि यहाँ भी कोरोना केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और शायद कॉलेजेस बंद होने की संभावना लग रही है, इसीलिए हम भी आज कॉलेज जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कोरबा का जाने वाला ये जो रोड है कितना ज़्यादा चौड़ा हो रहा है। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है ये काम और अभी एक यहाँ पर रोड बनने का काम चल रहा है और इसके चलते इधर का पूरा रोड वन वे हो गया और बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है दोस्तों। आगे बहुत ट्रैफिक भी कभी कभी हो जाती है और अभी ट्रैफिक तो नहीं है, अभी ट्रक भी बहुत कम चल रहा है, शायद पानी गिरा है इसलिए या फिर अभी सेकेंड टाइम शुरू हो रहा है इसलिए। तो अभी हम जा रहे हैं कोरबा, इसलिए ट्रक भी पता नहीं बहुत से कैसे बहुत कम मिल रहा है और डस्ट भी बहुत कम है। पहले ही बता दिया था आज पानी गिरा है, मौसम बहुत अच्छा किया हुआ है दोस्तों, बहुत मज़ा आ रहा है रास्ते में जाने में। अभी आप रास्ता एंजॉय करिए, फिर आपको नया नया चीज़ देखने को मिलेगा, नई नई डेस्टिनेशन। पहुंचने वाले हैं और अभी उससे पहले बहुत ज़्यादा रास्ता ख़राब आएगा, उसको अभी देखेंगे। अभी बगल में कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, इस वजह से बहुत ज़्यादा ये रास्ता ख़राब भी है, तो बहुत मज़ा भी आएगा, देखते हैं। और आज पानी की तरह तो शायद बहुत ज़्यादा कीचड़ भी हो सकता है, तो आज ये देखेंगे क्या हो रहा है अपने कोरबा में। दोस्तों हम लोग यहाँ कोरबा में एंट्री करने जा रहे हैं, लगता है यहाँ सारा इतना सारा कीचड़ है। वैसे आज सारा डस्ट कीचड़ के फॉर्म में बदल गया है, वैसे तो देखा जाए नहीं तो ये सारा डस्ट हवा में रहता है, जब धूप उगे रहता है, धूप निकले रहता है तो यहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट रहता है। जितना ज़्यादा कीचड़ है उससे ज़्यादा डस्ट रहता है, मतलब कि आप नहीं देख सकते बहुत ज़्यादा। जैसे गांव में फॉग होता है वैसे यहाँ डस्ट होता है, एक मीटर दो मीटर में इतना डस्ट कि आगे का रास्ता नहीं दिखता है, बहुत ज़्यादा डस्ट होता है दोस्तों। और हमारे राइट साइड में इधर सरमंगला मंदिर, उधर हम जाएंगे किसी दिन, उधर भी दिखाएंगे आपको। अभी फिलहाल हम जा रहे हैं अपने कॉलेज और ये जो देख रहे हैं ये सरमंगला पुल है। इसी पुल के द्वारा कोरबा में एंटर किया जाता है और साइड में एक और ब्रिज है जहाँ से हमारी ट्रेन आती जाती है।
गेवरा रोड्स को वही वही ट्रेन लाइन जोड़ती है हमारी, और हमारे इस साइड है NTPC जो अभी नहीं दिख रहा है मौसम ख़राब होने की वजह से और बहुत ज़्यादा धूल होने की वजह से। यहाँ से भी NTPC दिखता है और हम अभी कोरबा में एंटर कर रहे हैं। दोस्तों हम पहुंच गए हैं कोरबा, आप भी देखिए कोरबा कैसा है, अच्छा लगता है तो हमें कमेंट में बताइए। हम शायद आज का वीडियो लंबा भी हो सकता है तो हम इसे शायद दो पार्ट में डालेंगे, एक अभी डालेंगे और एक नाइट में दिखाएंगे कैसा कोरबा का व्यू होता है और कितना सुंदर कोरबा दिखता है रात में। अगर अच्छा लगेगा तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए तो अभी आप हम घूमते हैं कोरबा पहले। तो ये है कोरबा का पाम मॉल, कोरबा का दूसरा मॉल, पहला मॉल पीछे रह गया, उसको हम वापस टाइम में देखेंगे। तो हम फिर किसी दिन आएंगे यहाँ पाम मॉल घूमने और आपको भी घुमाएंगे पाम मॉल। ये है कोरबा का टीपी नगर बस स्टैंड, नया बस स्टैंड है कोरबा का। ये यहाँ से हर जगह के लिए बस निकलती है, लगभग यहाँ से बिहार के लिए, उड़ीसा के लिए, झारखंड के लिए, इन सारे जगह के लिए यहाँ से बस निकलती है। कोरोना से प्रोटेक्शन के लिए अनाउंसमेंट हो रहा है, कृपया मास्क लगाए रहें, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, आप भी पालन कर रहे हैं, मास्क लगाए हुए हैं, सैनिटाइजर रखें और घूम भी रहे हैं। और दोस्तों हम पहुंच गए हैं अभी महाराणा प्रताप चौक, और यहाँ से कुछ ही दूर के बाद हमारा कॉलेज पहुंच जाएंगे, और कॉलेज पहुंचेंगे फिर हम फ़ोन को ऑफ कर देंगे क्योंकि कॉलेज में फ़ोन ज़्यादा यूज़ करना अलाउ नहीं है, इस वजह से हम कॉलेज के अंदर तो रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद रिकॉर्ड करेंगे और बताएंगे हम क्या करते हैं कॉलेज में, मतलब रिकॉर्डिंग वैसे करने देंगे नहीं, तो फिर भी देखते हैं आगे हम क्या कर सकते हैं और क्या करते हैं। तो हम कॉलेज पहुंचने वाले हैं दोस्तों। तो हम पहुंच गए अपने कॉलेज, ये हमारा कोरबा कंप्यूटर कॉलेज KCC, हम एंट्री कर गए अपने कॉलेज में और ये हम फ़ोन को कर देते हैं बंद। चलो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं यहाँ से निकलने के बाद। अब हम निकले हैं चौपाटी कुछ खाने के लिए, हमारे कॉलेज में लंच ब्रेक हुआ है तो सोचे कुछ खा लेते हैं, तो हम इधर चौपाटी आए हैं कुछ कुछ खा लेते हैं। यहाँ पर सब चीज़ मिलता है यहाँ खाने के लिए, सारे फास्ट फूड यहाँ मिल जाते हैं खाने के लिए इसी जगह पर। और अभी हम थोड़ा सा मंचूरियन ले लेते हैं, मंचूरियन लेंगे उसके बाद और कुछ लेंगे।
जैसा कि आप देख रहे हैं, हम इस घंटाघर चौक का राउंड लगा रहे हैं। सो घंटाघर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर एनी टाइम टाइम चलते रहता है। अभी यहाँ का घड़ी ख़राब हो गया था लेकिन अभी रिपेयर हो गया है, इसलिए इसको घंटाघर बोलते हैं। तो अब हम थोड़ी देर में घर की ओर निकलेंगे। काफ़ी शाम हो रहा है और जाते जाते अंधेरा भी हो जाता है। अंधेरा होता है तो कोरबा और भी अच्छा दिखता है, हम दिखाएंगे। अगर अंधेरा हो जाता है और कोरबा का लाइट ऑन हो जाता है तो दिखाएंगे। तो चौपाटी का हम लंच किए थे तो यहाँ से निकलेंगे घर।